विचार रखे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी देश की सीमाओं की रक्षा में दिन रात लगे हमारे वीर जवानों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। उनकी वीरता, उनके कौशल, उनकी सूझबूझ पर देश अटूट विश्वास रखता है। इस सर्वदलीय बैठक के माध्यम से मैं शहीदों के परिवारों को भी विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश उन्हें नमन करता है। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था उन्हें वो सबक सिखा कर गए। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। साथियों, निश्चित तौर पर चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। ये भावना हमारी इस चर्चा के दौरान भी आप सबके माध्यम से बार बार प्रकट हुई है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी एक इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और आप सबने भी इसी भाव को प्रकट किया है। साथियों, बीते 5 वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी
हमने बहुत बल दिया है। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है। जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। बेहतर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से एक मदद यह भी मिली है कि हमारे जवान जो उस कठिन परिस्थिति में वहां तैनात रहते हैं, उन्हें साजो सामान पहुंचाने में आसानी हुई है। साथियों, राष्ट्रहित, देशवासियों का हित हमेशा हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो, काउंटर टेररिज्म हो, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य है, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से आगे भी किया जाता रहेगा। मैं आप सभी को, सभी राजनीतिक दलों को फिर से आश्वस्त करता हूं कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। आप सभी ने इस बैठक के लिए अपना समय दिया, अपने मूल्यवान सुझाव दिए, इसके लिए मैं सभी दलों का, आप सभी नेतृत्वगण का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके सुझाव आगे की रणनीति में बहुत लाभकर्ता होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार इस एकता का संदेश देने में आप जो बढ़ चढ़ करके आगे आए हैं, वे सेना का मोरल तो बढ़ाएगा, देश के लोगों की हिम्मत बढ़ाएगा, लेकिन दुनिया को भी जो संदेश जाना चाहिए वो पहुंचेगा। और इसलिए आज की मीटिंग में आपकी सकारात्मक भूमिका का बहुत मूल्य है, उसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है और इसलिए भी आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।